दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट यानी दोस्तों रिजाइन डेट कैसे डालें। अगर दोस्तों आपने किसी कंपनी में काम किया है और आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं तो दोस्तों पीएफ निकालने से पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में रिजाइन डेट डालनी होगी, तभी दोस्तों आपका पीएफ निकलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको रिजाइन डेट डालने के लिए कंपनी को छोड़े हुए 2 महीने होने चाहिए, यानी दोस्तों जब आपका आखिरी बार पीएफ कटा था उसमें और जब आप एग्जिट डेट डालें उसमें कम से कम 2 महीने गैप होना चाहिए, तभी दोस्तों आप अपनी रिजाइन डेट डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो देकर स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिपाल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिपाल टेक यूट्यूब चैनल पर। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार में लिखना है UAN लॉगिन। लिखने के बाद दोस्तों आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले नंबर पर एक वेबसाइट दिखाई दे रही है मेंबर होम, तो दोस्तों आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे कोने में 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल फोन को डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल फोन में कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है UAN नंबर, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना UAN नंबर डालना है। और उसी के बाद दोस्तों नीचे आपको दिखाई दे रहा है पासवर्ड, तो दोस्तों आपका जो भी UAN नंबर का पासवर्ड है दोस्तों आपको वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। वो पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों आपको ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरा जो भी पासवर्ड है और जो भी मेरा UAN नंबर है मैं अपना यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना UAN नंबर डाल दिया और दोस्तों जो भी मेरे UAN का पासवर्ड है दोस्तों मैंने वो यहाँ पर डाल दिया है। अगर दोस्तों आपने किसी कंपनी में आज से लगभग कई साल पहले काम किया है और आप अपना UAN नंबर भूल गए, तो दोस्तों मैंने इस पर पहले से एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरीके से अपना आधार नंबर डालकर ही अपने UAN नंबर का पता लगा लेंगे। तो दोस्तों अगर आप अपना UAN नंबर भूल गए तो दोस्तों आप उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर अपना UAN नंबर का पता लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको दिखाई दे रहा है पासवर्ड, तो दोस्तों अगर आप अपने आपके पास UAN नंबर तो है लेकिन दोस्तों आप अपना UAN नंबर का पासवर्ड भूल गए, तो दोस्तों मैंने इस पर भी पहले से एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरीके से अपने पुराने UAN के पासवर्ड को फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये कैप्चा कोड यहाँ डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम साइन इन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रोसेसिंग चलती है। प्रोसेसिंग चलने के बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे रहा है। इसको दोस्तों आपको इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से इसे हटा देना है। जैसे दोस्तों आप इसे हटा देते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले दिखाई दे रहा है होम, फिर व्यू, फिर मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप मैनेज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ सबसे नीचे दिखाई दे रहा है मार्क एग्जिट, दोस्तों आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट, और आप इधर साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा होगा। आप इस एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने जहाँ जहाँ पे भी काम किया यानी कि जिस जिस कंपनी में काम किया है उनकी यहाँ पे आपको मेंबर आईडी दिखाई देंगी। आप यहाँ से जिसमें भी आप अपनी एग्जिट डेट डालें आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होता है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, यानी दोस्तों जिसकी भी यहाँ पे हम मेंबर आईडी डाल रहे हैं उसकी ये डेट ऑफ बर्थ है। ये डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आधार कार्ड के हिसाब से रहती है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी दोस्तों जिस कंपनी में आपने कब से ज्वाइनिंग की थी वो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट दिखाई देगी। और इसके बाद और हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट ऑफ एग्जिट, यानी दोस्तों आप इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एग्जिट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर एक कैलेंडर शो हो गया है। आप यहाँ से जो भी आपने जिस तारीख को आपने अपनी कंपनी को छोड़ा था आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 18 तारीख को छोड़ी थी तो मैंने यहाँ पर 18 को सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीसिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ एग्जिट, दोस्तों आपको फिर दोबारा से इस सिलेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने सिलेक्ट पर क्लिक किया तो हमारे सामने फिर से कैलेंडर ओपन हो गया है और हमें यहाँ से जो भी हमने ऊपर जो डेट सिलेक्ट किया वही डेट हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पर एक में रेड हो जाएगा। मैंने यहाँ से जो भी हमारी डेट ऑफ एग्जिट थी मैंने दोनों में सिलेक्ट कर लिया है।
इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, यानी किस वजह से आपने कंपनी छोड़ा है, आपको यहाँ पे रीजन भी चूज करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हमें दोबारा से सिलेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आपको जो भी जिस रीजन से आपने अपनी कंपनी छोड़ी आप यहाँ से चूज कर लेंगे। वैसे ज़्यादातर आज की कंपनियों में तो सिस्टम हो गया 7-7 महीने काम करने का। तो दोस्तों आपको यहाँ से शॉर्ट सर्विस यानी सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद और आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिक्वेस्ट ओटीपी, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक अलर्ट आता है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ से यस कर देना है। जैसे आप यहां से यस करते हैं तो आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, यानी कि दोस्तों आपका जो ओटीपी है, आपके आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी दिया गया है। उस ओटीपी को आपको यहां पे नीचे यहां पे दिखाई दे रहा है प्लीज इंटर 6 डिजिट ओटीपी, जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया है वो ओटीपी यहाँ पे, जो भी हमारा ओटीपी है हमने वो ओटीपी यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई एग्री पे दोबारा से क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसके बाद और आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सबमिट, तो दोस्तों आपको यहाँ पर फाइनल में सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, जिसमें दोस्तों फिर एक अलर्ट SMS आ गया, इसमें आपको यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसी प्रोसेसिंग चलेगी, प्रोसेसिंग चलने के बाद कुछ इस तरीके से आपको अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुल, यानी दोस्तों जो हमने डेट ऑफ एग्जिट अपलोड की है वो सक्सेसफुल यहाँ से अपडेट हो चुकी है। इसके बाद आप ओके कर, हमने जो डेट ऑफ एग्जिट को अपलोड किया है, अब हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारी डेट ऑफ एग्जिट है हमारे PF अकाउंट पे अपडेट हुई है या नहीं हुई। इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिस हमने ये मेंबर आईडी थी, इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो मैंने 18 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे मैंने शॉर्ट सर्विस पे यहाँ पे एग्जिट डेट डाली है, कुछ इस तरीके से पड़ गई है। अगर दोस्तों और जो हमें ज़्यादा देखना है तो हम दोबारा से इस सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पर 3 मेंबर आईडी दिखाई दे रही थी, अब लेकिन यहाँ पर 2 हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप एक एक करके अपनी जो भी डेट ऑफ एग्जिट है आप यहाँ पर डाल लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन से अपनी डेट ऑफ एग्जिट को डाल लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।